मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच देश के 3 अस्पतालों में चीनी वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। पाकिस्तान ने टीके की डोज खरीदने पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन दवा मिलने के लिए भी कितना इंतजार और करना होगा यह अभी किसी को नहीं पता। चीनी वैक्सीन के निर्माता पाकिस्तान में कोविड-19 के टीके के अंतिम ट्रायल कर रहे हैं। बीते हफ्ते में पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 20,000 मामले सामने आए थे, जिनसे ये पता चलता है कि स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है पाकिस्तान में। नवंबर में पाकिस्तान की सरकार ने विभिन्न टीका निर्माताओं से वैक्सीन खरीदने के लिए $15 करोड़ की रकम आवंटित की थी। चीन उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर है। गर्मियों में कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को मेडिकल और सुरक्षा उपकरण भी मुहैया कराए थे और पाकिस्तान से निपटने के लिए अपने विशेषज्ञ भी भेजे थे। सितंबर में पाकिस्तान में चीनी टीके के ट्रायल भी शुरू हुए। कैंसिनो बायोलॉजिक्स और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से तैयार टीके के अंतिम ट्रायल इस समय पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब और रूस जैसे अन्य देशों में भी चल रहे हैं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में 8,000 से ज्यादा वॉलंटियरों को टीका लगाया गया है। पाकिस्तानी दवा नियामकों के अनुसार दूसरे चरण में 10 और वॉलंटियरों को इस टीके को आजमाया जाएगा उनके ऊपर। लाहौर की हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी में भी टीके के ट्रायल हो रहे हैं। वहां के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम, उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा ट्रायल के नतीजे जनवरी में आने की उम्मीद है। उन्होंने एक स्थानीय मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार की उम्मीदें चीनी वैक्सीन पर टिकी हैं, लेकिन वो अन्य कंपनियों से भी बात कर रही हैं। हमें लगता है कि चीनी टीका जल्द ही उपलब्ध होगा। उन्होंने ये भी बताया, जब टीका आ जाएगा तो सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी PPMA के पूर्व चेयरमैन हैं मोहम्मद जकाउर रहमान, वो कहते हैं कि पश्चिमी वैक्सीन निर्माता मुख्य तौर पर अमेरिकी और यूरोप के देशों को टीके की आपूर्ति कर रहे हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान के लिए चीन की बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि चीनी कंपनियों के पास ऑर्डर की बाढ़ नहीं आ रही। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में अधिकारियों ने पहले ही वैक्सीन को स्टोर कर और उसके वितरण के लिए प्रबंध कर लिए। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के कोवैक्स कार्यक्रम में भी शामिल है, जिसके तहत 2021 के अंत तक उसे लाखों वैक्सीन डोज मिल सकती हैं। कोवैक्स का गठन इसलिए किया गया है ताकि विकासशील देशों को भी वैक्सीन मुहैया कराई जा सके, उसमें पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान जल्द से जल्द वैक्सीन हासिल करना चाहता है, लेकिन इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि चीन में वैक्सीन ट्रायल का पहला चरण किस तरह पूरा किया गया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अब्दुल गफूर शौरी कहते हैं, उन्होंने स्थानीय मीडिया से कहा कि शुरुआती ट्रायल के नतीजों को सार्वजनिक नहीं किया गया। उन्होंने स्थानीय मीडिया से बातचीत में कहा कि इन निष्कर्षों का थर्ड पार्टी मूल्यांकन कहां है। उनका दावा है कि चीन और पाकिस्तान मूल्यांकन की प्रक्रिया में स्वतंत्र मेडिकल संस्थाओं को शामिल नहीं करते। डॉक्टर अकरम इस तरह की आलोचना को बेबुनियाद बताते हैं। वो कहते हैं, हम वैक्सीन के ट्रायल और टेस्ट के नतीजों को किसी मेडिकल संस्था के साथ साझा करने के लिए बाध्य नहीं है। उनका कहना है, जब एक सरकार ऐसी रिसर्च में शामिल होती तो इस बात पर भी सहमति होती है कि गोपनीय जानकारी को लीक नहीं किया जाएगा। हम अच्छी क्लिनिकल प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं, एक प्रभावी निगरानी तंत्र बनाया गया है और इस पूरी प्रक्रिया का राजनीतिकरण हम नहीं चाहते, जो कि पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच कुछ महीने पहले, आपको ले चलता, चीन पर उसके दोस्त पाकिस्तान को भी भरोसा नहीं। दरअसल चीन की कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के लिए पाकिस्तान में ट्रायल चल रहे, लेकिन यहां वैक्सीन ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स खोजने में भी काफी दिक्कत हो रही थी। निक्की एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार की रिसर्च संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अफसर ने बताया था, सोशल मीडिया पर कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रही अफवाहों के चलते अस्पतालों में ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
पाकिस्तान सरकार ने सितंबर में AD5N को वैक्सीन के अंतिम चरण के ट्रायल के लिए मंजूरी दी थी। इसे कैंसिनो बायोलॉजिकल और मिलिट्री मेडिकल साइंस ने बनाया है। इस ट्रायल की मंजूरी के बदले चीन पाकिस्तान को कोरोना की वैक्सीन प्राथमिकता के साथ देगा। AD5N को वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में है। इसे 2022 तक पूरा होना है। इसमें अर्जेंटीना, चिली, मैक्सिको, सऊदी अरब, रूस और पाकिस्तान के करीब 40,000 वॉलेंटियर्स शामिल होने हैं। पाकिस्तान को चीन का काफी करीबी माना जाता है। चीन ने पाकिस्तान के कई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट भी किया है। इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के 5 अस्पतालों को चुना गया है। इनमें करीब 8,000 से 10,000 लोगों पर ट्रायल होना है। कोरोना महामारी के संकट के बीच पाकिस्तान को हाल ही में चीन ने मेडिकल इक्विपमेंट समेत तमाम मदद भी दी थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के एक अफसर ने बताया था, पाकिस्तान में ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स को इकट्ठा करने में काफी परेशानी हो रही है और ये कोई नई बात नहीं है। वैश्विक स्तर पर देखें तो बहुत से लोग खासकर इस तरह के नए टीके पर कम ही विश्वास करते हैं। पाकिस्तान में यह पहली ऐसी वैक्सीन है जिसका तीसरे चरण में ट्रायल होगा। ऐसे में यहाँ आम लोगों ने वैक्सीन के ट्रायल के लिए वॉलेंटियर्स बनने के लिए कहना सामान्य बात नहीं। ऐसे में यहाँ हेल्थ एजेंसी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। पाकिस्तान की सरकार ने आधिकारिक तौर पर भी आंकड़े जारी नहीं किए कि कितने लोग ट्रायल के लिए आगे आए। हालांकि कराची के इंडस हॉस्पिटल के मुताबिक उन्हें ट्रायल के लिए सिर्फ 500 वॉलेंटियर्स मिले, जबकि उनका टारगेट 2000 का था। तो अब देखना यह होगा कि चीन पाकिस्तान को मदद करने के पीछे उसकी क्या रणनीति है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।